आज हम क्या सीखेंगे कि हम किस प्रकार के मसीही हैं। मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है कि हम उसकी गवाही दें, है ना। सो हमारा मेन मकसद, हमारे उद्धार पाने का बाद जो मेन मकसद है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो ये है कि हम उसकी गवाही दें। और उसकी गवाही देने के लिए कुछ चरणों को हमें अपने जीवनों में पूरा करना होता है। हमारे चारों ओर के रह रहे बहुत सारे मसीही हैं, लेकिन सारे मसीहियों के जीवन से प्रभु की महिमा हो नहीं रही है। सब मसीहियों के जीवन से प्रभु की गवाही लोगों तक पहुंच नहीं रही है। हम देखते हैं आज हम किस प्रकार के मसीही हैं। पहले किस्म के जो मसीही हैं वो होते हैं गूंगे मसीही। आपको बड़ा अजीब लग रहा हो कि ये कौन सी किस्म है, गूंगे मसीही आप क्यों बोल रहे हैं? गूंगे मसीही कौन होते हैं? गूंगे मसीही मैंने इसलिए लिखा है, गूंगे मसीही वो मसीही हैं जो मसीहियत को जानते हैं, जो मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका चरित्र, उनके कार्य परमेश्वर की गवाही कभी नहीं देते। ये वो मसीही लोग हैं। और इस प्रकार के मसीहियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह वचन में बात करते हैं, दोनों तरह के पक्ष प्रभु प्रस्तुत करते हैं। वो मसीही जो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, दोनों पक्ष प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करते हैं। सो हम सीखते हैं, हम देखेंगे गूंगे मसीही किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं गूंगे मसीह। मत्ती 5:13-16 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। सब लोग जोर से पढ़ें। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह किस किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ये मत्ती 5:13-16 में प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें बताया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं पहले भी इस वचन के बारे में बता चुका हूँ कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के नमक कहा है। आपको पता है नमक की तासीर क्या होती है? बता सकते हैं? बहनें खाना बनाती हैं, क्या तासीर होती है? हाँ, नमक की एक तासीर होती है कि जिस जहाँ पर उसको डाला जाता है वो वहाँ पर अपने प्रभाव को छोड़ता है। अगर हम बाइबल प्रेरितों के समय में वैसे आज भी बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि मछलियों के जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, मछलियों के जो बाहर विदेश में जब निर्यात किया जाता है तो उनके ऊपर वो नमक डालते हैं। जो मांस का जो वो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग नमक डालते हैं। नमक का एक तासीर ये होती है कि नमक जब अपना असर छोड़ता है तो उस असर की वजह से, नमक के प्रभाव की वजह से उसके अंदर बदबू नहीं आती। आप लोग जानते हैं ये नमक का कार्य होता है, जहाँ पर वो डाला जाता है वहाँ पर वो अपना असर छोड़ता है और उस असर की वजह से उसके अंदर जो कि जो बदबू आ सकती है, लेकिन नमक डालने के बाद वो उसकी जो बदबू वाला जो कार्य है वो उसको होने नहीं देता। नमक की ये ताकत होती है, ये कार्य होता है। तो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के नमक कहा है। हम ये जानते हैं कि बाइबल हमें ये बताती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस पाप का जो उपाय क्या है, कैसे लोग पाप से बचेंगे, ये भी हम जानते हैं कि हमें जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तब तक हमारे पाप माफ नहीं होते। ये संसार पाप की बदबू से भरा हुआ है। ये संसार किससे भरा हुआ है? पाप की बदबू से ये संसार भरा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में नमक के तरह रखा है तो हमें ये देखना है क्या हमारा जीवन नमक के तरीके काम कर रहा है। जो जो परमेश्वर का जो नमकीनपन, जो असर हमने उसके वचन के द्वारा अपने जीवन में पाया है, जो उसके वचन को पढ़ने के द्वारा, उसके वचन को सीखने के द्वारा जो नमकीनपन, जो उसका स्वाद हमारे जीवनों में आया है, तो क्या वो जो नमकीनपन है, जो स्वाद है, क्या हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार में लोगों के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि इस संसार की बदबू तब तक दूर नहीं होगी जब तक ये जो नमक है ये कार्य नहीं करेंगे। पृथ्वी के नमक कौन है? बोलिए, पृथ्वी के नमक कौन है? हम सब पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु ने हमें कहा तुम पृथ्वी के नमक हो।
अगर हम पृथ्वी के नमक हैं तो हमें ये देखना है क्या हम पृथ्वी के उस नमक की तरह असरदार हैं, क्या हमारे जीवनों से वो प्रभाव निकलता है, वो प्रभाव दिखाई देता है जिस प्रकार एक नमक के अंदर से जो असर जो प्रभाव निकलता है। हम प्रार्थनाओं में भी कई बार बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है। हम अपने आप को देखें, अगर हम अपने आप को पृथ्वी का नमक कहते हैं तो क्या हम उस नमक की भांति काम कर रहे हैं? नमक की तासीर होती है प्रभाव डालना। क्या हमने मसीह का प्रभाव हमारे आसपास के रहने वाले लोगों में, हमारे आसपास के रहने वाले जो पाप में जो लोग जी रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमने प्रभाव डाला है? क्या वो हमारे अंदर उस दुनिया से अलग एक स्वाद को देखते हैं? क्या हमारे अंदर एक नएपन को, एक अलगपन को संसार देखता है? अगर हम अपने जीवन को नमक की तरह इस्तेमाल होने नहीं दे रहे हैं इस संसार में, तो सच में इस प्रकार के मसीहों को गूंगा मसीह कहा जाता है। अगर हमारा जीवन इस संसार में प्रभावशाली नहीं है और हमारे जीवन को प्रभावशाली हम होने नहीं दे रहे हैं, तो सच में हम गूंगे मसीह हैं। अपने जीवनों के इस द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हमें अपनी जो प्रभु है, हमारी मसीहियत है, उसको संसार के बीच में प्रकट करना है। वही है असर, वही है असर। उसी से जानेंगे कि हम मसीही हैं। क्या हमने प्रभु यीशु के वचन के द्वारा उसके व्यवहार, उसके प्रेम, उसके चरित्र के प्रभाव को अपने जीवन में आने दिया है कि उस असर को हम संसार पर डालें जिससे कि ये संसार सुसमाचार से परिचित हो जाए? हालेलुया। क्या हमने उसके वचन के द्वारा उसका प्रभाव आने दिया है? क्योंकि सच में ये परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब उसका प्रभाव, उसका कार्य हमारे जीवन में तब होता जब हम अलाउ करते, जब परमेश्वर की आत्मा को जब हम उसका कार्य करने देते हैं, तब उसका आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है। क्या हमने उसके आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अलाउ किया है जिसके द्वारा हम उसके सामर्थ को पाकर, उसके द्वारा एक नएपन को पाकर, एक नमकीनपन को पाकर इस संसार में असरदार हो सके? अगर हम एक नमक की तरह अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के जीवनों में जिनका जीवन पाप की वजह से बेस्वाद हो चुका है, जिनका जीवन, जिनके पास कोई आशा नहीं है, अगर हम उनके जीवनों तक, हम प्रभु की गवाही उनके जीवनों तक हमारे जीवन से अगर नहीं पहुंच रही है, तो सच में हम गूंगे मसीही हैं। एक अच्छा मसीही जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के भय में जिया जाए, वो जीवन इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का परिचय देता है। हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा जीवन नमक की तरह है? मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तू पृथ्वी का नमक है। मेरे प्रभु ने एक नमक की तरह मुझे इस धरती पर स्थापित किया है। क्या मैं असर डाल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन असरदार है उन लोगों के बीच में जिन लोगों के पास कोई आशा नहीं है, जिन लोगों को सहायता चाहिए, जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए? क्या हमारा जीवन वहाँ पर कारगर सिद्ध होता है? हमें पूछना है। अगर नहीं तो सच में हम गूंगे मसीही हैं। और उस वचन में लिखा है जब नमक स्वाद खो बैठे तो वह फिर किस काम का, किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रहता सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंका जाए और पैरों के तले रौंदा जाए। ये नमक का स्वाद, ये नमकीनपन, ये परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो कार्य हमारे जीवन में होता है, इसका असर कम कैसे हो जाता है? उसका स्वाद, उसका नमकीनपन जो परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में आता है, वो खत्म कैसे हो जाता है? आपको क्या लगता है कैसे खत्म हो जाता है? आप बताना चाहेंगे? जब दुनियावी चीजों की भरपूरी हमारे जीवन में होती है, जब हमारे जो दुनिया के कार्यों के प्रति जो प्राथमिकता, जो लगाव हमारे जीवन में आ जाता है, उसके बाद हमारे जीवन के अंदर नमकीनपन खत्म हो जाता है। वो
धार्मिकता, वो प्रेम, वो जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो बदलाव डाले हैं, उसके बाद जब हम दुनियावी चीजों को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, तब वो नमकीन पन जब खत्म हो जाता है। वचन हमें साफ साफ कहता है कि दुनिया से प्रेम मत रखो। हमें ये देखना है क्या हमारे जीवन से नमकीन पन लोगों के जीवनों तक पहुंच रहा है, क्या उनके जीवनों के अंदर हम कार्यरत होने में सफल हो रहे हैं। अगर नहीं है तो सच में हम गूंगे मसीहियों की कैटेगरी में आते हैं। संसारिक चीजों के प्रति लगाव हमारे अंदर आत्मिक गूंगेपन को पैदा करता है। फिर प्रभु कहते हैं 14 वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। हम सब कहें अपने हाथ उठा के कि मैं जगत की ज्योति हूं। हम सब जगत की ज्योति। प्रभु ने पहले कहा मैं जगत की ज्योति, उसने कहा, फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति। परमेश्वर ने इस संसार में जो पाप के अंधेरे से भरा हुआ है, इस संसार में हमें ज्योति के रूप में रखा है, ताकि हम उनको रास्ता दिखा पाएं जो पाप में कि पाप के अंधकार में जो भटक रहे हैं, उनके सामने हम परमेश्वर की अनुग्रह से जाकर उनको हम रास्ता दिखा पाएं। इसलिए उसने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते, इसमें लिखा है, परंतु दीवट पर रखते हैं और घर के सब लोगों को वो प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हालेलुया। उसकी ज्योति हमारे जीवन से इस प्रकार चमके, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे भले कार्यों के द्वारा, कि उसे देखकर संसार के लोग परमेश्वर की महिमा करें। हम सब उसकी ज्योति हैं, लेकिन हम में से बहुत सी ज्योति ऐसी होंगी जिन्होंने अपने आप को टोकरी के नीचे रखा हुआ है, जिसके द्वारा लोग उसके द्वारा उसकी रोशनी को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? टोकरी के नीचे हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जो ज्योति, अपने आप को ज्योति कहते हैं, लेकिन एक टोकरी के नीचे हैं। ये टोकरी क्या है? हमारे ऊपर जो ढकी हुई जो टोकरी क्या है? हम ज्योति हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो टोकरी है वो टोकरी क्या है? वो टोकरी कई बार समाज का डर होता है, हमें डर लगता है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने में, सुसमाचार सुनाने में, उनको बताने में हमें डर लगता है। इसलिए हम ज्योति तो हैं, लेकिन वो ज्योति हैं जिनके ऊपर टोकरी रखी हुई है। कौन सी टोकरी? समाज के डर की टोकरी। दूसरा, हमें शर्म आती है कई बार सुसमाचार सुनाते हुए, ये भी एक प्रॉब्लम है। शर्म आती है, मेरी भाषा सही नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे ज़्यादा अच्छा कुछ बोलना नहीं आता, हमें शर्म आती है सुसमाचार सुनाने में। ये भी हमारी शर्म अपने आप में हमारे लिए एक टोकरी बनी हुई है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं हूँ, और ये वो ये भी कहता है हाय उस पर जो परमेश्वर जो सुसमाचार नहीं सुनाता। हमारी शर्म की टोकरी को हमें हटाने की जरूरत है। अगर हमने अपने ऊपर समाज के डर की टोकरी रखी हुई है, और हमने अपने ऊपर जो शर्म की टोकरी रखी हुई है, इसको हम हटाएं। फिर तीसरी टोकरी ये है कि हमारे जीवन, जो मैंने पहले बताया, संसारिक चीजों के प्रति बहुत अधिक प्रभावित है। हमारा झुकाव संसार के कार्यों की ओर ज्यादा झुका हुआ है। हमारा जीवन बहुत ज्यादा संसारिक चीजों की अभिलाषा करता है। ये अपने आप में एक टोकरी है, हमने अपने आप को उसके अंदर छुपा के रखा है। इस कारण से लोग उस ज्योति को देख नहीं पाते। हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। जो उसने ज्योति हमें बनाया है, उस ज्योति को इस्तेमाल करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है। कई बार हमारा काम अपने आप में वो टोकरी बन जाता है जिसके नीचे हम दबे हुए होते हैं। हमें देखना है हमारे अगर हमारा जीवन ऐसा है कि हम ज्योति तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम अगर हमने अपने आप को टोकरी के नीचे रखा हुआ है, तो सच में हम गूंगे मसीहियों की कैटेगरी में आते हैं। गूंगे मसीही कहलाने के लायक हैं हम। क्यों? हमारा जीवन हमारे प्रभु की गवाही दे नहीं रहा है, हमने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। एक बिशप हैं, बिशप मार ग्रेगोरियस, ऐसे कहते हैं कि भारत में बहुत से अच्छे मसीही हैं,
उसके बाद वो ऐसे बोलते हैं, अच्छे होने के बावजूद बेकार। बिशप मार ग्रेगोरियस प्रभु के दास हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि भारत में बहुत से अच्छे मसीही हैं लेकिन अच्छे होने के बाद भी बेकार। बेकार क्यों? क्योंकि कोई उपयोग नहीं है। अपनी उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, उन्होंने अपने आप को मसीह करके लोगों के सामने घोषित तो कर दिया है लेकिन अपने जीवन का मसीह के लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें देखना है, अगर हम हमारे जीवन में हम ये चीज पाते हैं कि हम समाज का डर हमें परमेश्वर के कार्य करने से रोकता है, या हमने शर्म की टोकरी को अपने ऊपर रखा हुआ है, संसारिक कार्यों के प्रति जो झुकाव है वो टोकरी अगर हमने अपने रखी हुई है। और एक और मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की टोकरी के ऊपर टोकरी अपने ऊपर रखी हुई है। वचन में लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी वो मांग ले, परमेश्वर का आत्मा है सिखाने वाला, परमेश्वर का आत्मा है चलाने वाला। हमें देखना है, अगर हम अपने जीवन को नमक की तरह और अपने जीवन को हम ज्योति की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सच में हम गूंगे मसीही कहलाने के लायक हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, दूसरा जो कैटेगरी के लोग होते हैं मसीही होते, वो होते बालकों के जैसे मसीही। बालक कैसे होते हैं? नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, ना मासूम से होते हैं। हम में से बहुत से मसीही लोग भी ऐसे ही हैं। इब्रानियों का लेखक ऐसे मसीहियों के बारे में बात करता है। इब्रानियों 5:12-13 वचन हम पढ़ते हैं, अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम, यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शुरुआती शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वो बालक है। ये इब्रानियों के जो लेखक, जो इब्रानियों के जो जिन मसीहियों के बारे में बात की जा रही है, ये जो यहूदी मसीही थे और इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास भी किया, लेकिन जो अपने आसपास के जो यहूदी लोगों के द्वारा ही इनके ऊपर जो सताव होता था उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। ये वापस अपनी जो परंपराओं में, वापस अपने कार्यों में फिर से लौट गए, बालकों के जैसे मसीही। बालकों के जैसे मसीही मतलब हमने बाइबल की शुरुआती कुछ शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, हमने ये सुसमाचार क्या होता है, हमने ये जान लिया है कैसे बांटे, ये जान लिया है, लेकिन इसके अलावा हम मसीही होने के नाते हमारे जीवन से बहुत कुछ होना है। हम बाइबल की शुरुआती जो शिक्षाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, उनको सीखकर अपने जीवन को नहीं चला सकते। परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें गहरे भेद पे मैं बताना चाहता हूं, जैसे उसने यिर्मयाह को कहा था कि मैं तुम्हें गहरी बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। और हम जो हैं, हम शुरुआती शिक्षाओं में, छोटी छोटी बातों में अपने आप को खुश कर लेते हैं। ऐसे मसीहियों को इब्रानियों का लेखक बालकों के समान मसीही कहता है। बाइबल की गहरी बातों को सीखने की इच्छा नहीं है, बाइबल को सीखना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाना चाहते, बस दूध में खुश रहते हैं। लेखक कहता, तुम्हें अब तक शिक्षक हो जाना चाहिए था, लेकिन कारण क्या है कि नहीं हुए? इसका कारण क्या हो सकता है? बस यही कि एक तो हमारे अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, दूसरा हम परमेश्वर के वचन में पर्सनली भी अपने समय को देते नहीं है। हमारे पास सोर्स है, हमारे पास सिखाने वाले लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोग होंगे जो बच्चों के जैसा, जो बच्चे होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। और ऐसी ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जब हम होम ग्रुप्स में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की हरकतें में पता चलती है, फिर हम सोचते हैं कि इतने साल से ये विश्वास में है लेकिन आज भी इनका जीवन ऐसे है, ये इतने साल से विश्वास में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कभी कभी तो, लेकिन इनके जो निर्णय हैं, इनके जो चुनाव हैं, इनके जो कार्य हैं, सच में इन्हें साबित करते हैं कि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। हमें सीखने की ज़रूरत है।
परमेश्वर हमें गहरे भेद सिखाना चाहता है। हमें निर्णय करना है, क्या हम बालकों के समान जीना चाहते हैं या फिर हम गहरे सत्य को जानना चाहते हैं। और जो बालकों के समान मसीही होते हैं, क्योंकि वो बाइबल की सिर्फ शुरुआती बातों को जानते हैं, बाकी कुछ जानते नहीं हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको जो दिया जाए वो स्वीकार कर लेते हैं, जो बोल दिया जाए वो स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे भी वैसे ही होते हैं ना, बच्चों को कुछ भी दोगे वो आराम से ले लेंगे। बाइबल में ये भी लिखा कि आने वाले समय में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे और हमारे चारों ओर ऐसे कार्य हो रहे हैं जो लोगों को झूठी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सच में अगर हमारा जीवन जो बालकों के समान जो मसीही होते अगर वैसा रहा, तो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि हम उन शिक्षाओं में, उन बातों में पड़ जाएंगे जो झूठी हैं। कैसे सामना करेंगे? हमारे जीवनों में कई बार हमारी बातों में सिर्फ परिवर्तन नजर आता है, लेकिन हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें कभी परिवर्तन नजर नहीं आता। फिर जो हम अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जो हम फैसले लेते हैं, क्योंकि हम मसीह में बच्चे हैं, हमने वचन को पढ़ा नहीं है, वचन हमें सहायता देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर हिस्से से बात करता है, हर हिस्से से बात करता है। हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमें सहायता मिल सके, ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, जो हमें गिरने से बचा सके, ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। लेकिन जब हम सच में हमने परमेश्वर के वचन को देखा ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को चखा ही नहीं है, हम सिर्फ शुरुआती बातों में खुश हैं, तो सच में हमारे लिए पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चों के लिए जो हम फैसले लेंगे, सच में हम मार खा जाएंगे। और बीते समय हम देखा गया है लोगों के निर्णय ऐसे होते जो निर्बुद्धि, जो बच्चे जैसे अपने जीवन में फैसले करते हैं। अगर अपने जीवनों को हमें आगे बढ़ाना है, अपने जीवनों को हमें लिए गए फैसलों में अगर हमने अपने परमेश्वर के कार्यों को देखना है, तो सच में हमें उसके वचन को पढ़ने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि मेरे जीवन किस प्रकार के मसीही की कैटेगरी में आता है। क्या मैं आज भी बालकों के जैसे हूँ? कैसे मैं जी रहा हूँ? मेरे फैसले इस बात को, हम जो फैसले लेते हैं इस बात से पता चल जाता है कि हम किस प्रकार के मसीही हैं। हमारे जीवनों से गवाही निकलती है, चाहे हमें महसूस हो या ना हो, लेकिन लोग देख लेते हैं। होसे 4:6 वचन में इब्रानियों को प्रभु ऐसे कहते हैं, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। किस कारण मेरे लोग मरे जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं? ज्ञान के कारण। अगर हमें, हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, सच में हमारी ये अज्ञानता हमें नाश की ओर ले जा सकती है। परमेश्वर साफ साफ का वचन साफ साफ कहता है कि लोग वचन के ज्ञान के कमी के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। और यहां पर जो भविष्यद्वक्ता है, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके बीच में सिखाने वाले नहीं है, इनके बीच में सिखाने वाले हैं। इन इब्रानी लोगों के पास में परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, मूसा की जो नियम है वो है इनके पास, और इनके बीच में परमेश्वर ने अपने नबी स्थापित किए हैं कि वो परमेश्वर की आवाज सुन के इनको बताएं, लेकिन सीखना नहीं चाहते, जानबूझ के परमेश्वर के सत्यों से दूर भागते हैं। हमें ये ध्यान देना, हमारे पर सच में हमें ये हमारा जीवन एक मौका है जो हमें दिया गया है, और इस जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की गवाही अपने अंतिम सांसों तक देनी है, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। हमारे पास सीखने के लिए हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे पास परमेश्वर ने ऐसे योग्य लोग दिए हैं जो हमें सिखा सकते हैं। क्यों हम अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाते हैं? हमें बचपन से निकलकर समझदार होने की जरूरत है, इसलिए बाइबल की बुनियादी बातों, बाइबल की शुरुआती बातों में खुश मत रहो। परमेश्वर का वचन
बहुत कुछ सिखाता है। उन सत्य को सीखिए, अपने बचपने से बाहर निकलिए। भजन 119:104 ऐसे लिखता है, तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं प्रत्येक झूठे मार्ग से घृणा करता हूँ। हालेलुया। किससे मैं समझदार हो जाता हूँ? भजन 119 उसका 4 ये कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं प्रत्येक झूठे मार्ग से घृणा करता हूँ। हालेलुया। सच में अगर वचन हमारे अंदर नहीं है तो हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि किन चीज़ों से हमें घृणा करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें प्रेम करना चाहिए। लिखने वाला कहता है, तेरे वचन, तेरे उपदेशों से मैं समझदार हो जाता हूँ। हमें समझदार होने की ज़रूरत है। और समझदार कैसे होंगे? उसके उपदेशों से, उसके वचन से जो उसने बाइबल में हमें दिया है। हमें देखना है हम किस प्रकार के मसीह, क्या हम बालकों के समान मसीही हैं? हमारी परिपक्वता का स्तर क्या है, स्तर क्या है, लेवल क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं? हम 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से मसीही हैं, लेकिन हम उन शुरुआती बातों में ही अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग समझदार बने। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने वाले बने। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपने मुँह को खोलने वाले बने। हमें देखना है क्या हम बालकों के समान तो नहीं हैं। तो तीसरे जो हम बात करेंगे वो होते हैं स्वार्थी मसीही। आज थोड़ी सी अजीब शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सच में ही हमारे लिए सही है। स्वार्थी मसीही, जो अपने स्वार्थ को पूरा करते, जो अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए प्रभु के पास आते हैं। जब उनकी लाइफ में कुछ विपत्ति होती है तब वो घुटनों पे नज़र आते हैं। जब कुछ परेशानी होती है तब वो अपने घुटनों पे नज़र आते हैं। लेकिन जब उनकी जीवन की वो समस्या दूर हो जाती है फिर सच में वो चर्च में भी नज़र नहीं आते। ऐसा कई बार देखने को मिला है। मैंने कई बार ही यहाँ पर रात को 10-10 बजे 11-11 बजे आके मैंने यहाँ पर प्रार्थना की है कुछ लोगों के लिए। ये तारीफ नहीं, बड़ी बड़ाई नहीं करना, लेकिन सच में ही हमारा काम है कि प्रार्थना करें हम लोगों के लिए। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनको सुबह 4 बजे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ, सुबह 4-5 बजे भी लोगों को जाके प्रार्थनाएं की हैं, प्रभु ने छुटकारा दिया। रात को 10-11 बजे ऑटो में डाल के लोग लेकर आते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की, प्रभु ने छुटकारा दिया, लेकिन आज वो इधर दिखाई नहीं देते, यहाँ पे दिखाई नहीं देते। अपना स्वार्थ पूरा हो गया इसलिए वो लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूहन्ना 6 उसका 1-2 वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त गलील सागर के पास है। इन बातों के वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यीशु गलील सागर अर्थात तिब्रियास झील के उस पार चला गया और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जिन्हें वो बीमारों पर करता था। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है और प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे उनको देखने की लालसा बड़ी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और लोग उनके आश्चर्य कर्मों को देखकर बहुत अचंभित होते थे। ये भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है, लगभग 5,000 पुरुषों की भीड़ है, उसके अलावा उनके बच्चे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो एक भीड़ प्रभु के पीछे आ रही है। योना 6 उसका 5 में लिखा, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर उस विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से पूछा, इनके लिए भोजन के लिए हम कहाँ से रोटी मोल लें? भीड़ आ रही है, प्रभु ने उनकी तरफ देखा। लूका इस बात को नोट नहीं करता, लेकिन मत्ती ऐसा बोलता है कि प्रभु ने जब उस भीड़ को देखा उसका हृदय दया से भर गया, उन पे तरस आया कि ये लोग यहाँ तक आए हैं और समय नहीं है कि वापस जाकर ये कुछ खाना खरीद सके, शहर में वापस जा सके, इसलिए प्रभु उनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। आपने 5,000 लोगों को खाना खिलाने वाली जो घटना है आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है सबने, ये वही है। सो प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा कि इनके लिए कहाँ से हम रोटी मोल लें? यूहन्ना 6:9 में लिखा है, वहाँ पर किसी ने कहा कि यहाँ एक लड़का जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? लोग कितने हैं? 5,000। रोटियाँ कितनी हैं? 5 रोटी और 2 मछलियाँ। यहाँ पर चमत्कार होने वाला है।
यूहन्ना 6:11-12 में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, उसी तरह मछलियों को भी जितने वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि वे नष्ट न हो। प्रभु ने उन 5,000 लोगों को खाना खिला दिया एक बहुत अद्भुत चमत्कार के द्वारा। फिर यूहन्ना 6:24-26 में हम पढ़ते हैं, ये भीड़ जो थी दूसरे दिन भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। लेकिन ये भीड़ जिसको प्रभु ने खाना खिलाया था, इस भीड़ में बहुत अलग अलग तरह के मसीह थे जिनको प्रभु अंदर से जानता है। यही भीड़ जब प्रभु के चमत्कार को देखकर, प्रभु के द्वारा खाना खाकर दूसरे दिन जब प्रभु के पास पहुंचती है तो प्रभु इनको कुछ बोलता है। क्या लिखा है? इसलिए जब भीड़ ने देखा कि वहाँ यीशु नहीं है और न ही उसके चेले, तो वे स्वयं छोटी छोटी नाव पर चढ़ गए और यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम आ पहुँचे। जब उन्होंने उसे झील की दूसरी ओर पाया तो उसने कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? उन्होंने प्रभु को ढूंढ लिया पीछे पीछे जाके। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु तुम इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। प्रभु हमारे अंतर आत्मा को जानता है, हम किस लिए प्रभु के पास आए हैं। ये लोग, बहुत से लोग हैं इनमें से, ऐसा नहीं कि प्रभु को प्रेम करने वाले लोग नहीं, लेकिन हैं प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, लेकिन प्रभु कहता है कुछ स्वार्थी लोग भी हैं इनके बीच में। तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने चमत्कार देखा है, तुम लोग इसलिए मेरे पीछे आते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई हैं। हम प्रभु के पीछे किस उम्मीद से आए हैं? प्रभु हमें अनंत जीवन की रोटी देना चाहता है। वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। हमें ये देखना है, क्या हम सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए प्रभु के पीछे आ रहे हैं, या फिर हम हमारा जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं इसलिए हम यीशु के पीछे आ रहे हैं? किस लिए? क्या हमारा ध्यान उस ओर गया है जहां पे प्रभु कहते हैं कि मैं अनंत जीवन का रास्ता हूं, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं? हम उद्धार की खोज के लिए प्रभु के पीछे आए हैं, मुक्ति पाने के लिए प्रभु के पीछे आए हैं, या सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए? यूहन्ना 6:27 में ऐसा लिखा है, तुम उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नाश होने वाला है, परंतु उसके लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाना चाहता है। क्या हमारा ध्यान आज तक उस ओर गया है, या फिर हमारा ध्यान सिर्फ उसके चमत्कारों से ही प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है? ये लोग शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु के पीछे आ रहे थे, शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाएं। हमें अपने आप से पूछना, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सालों से चल रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में क्या, हम क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या हमने सच में प्रभु के उस अनुग्रह की पहचान कर ली है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है? हमारे बीच में ऐसा संभव है कि हम आज तक प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं, लेकिन हमने उसके उद्धार की सामर्थ को नहीं पहचाना है, बस चमत्कारों को देखकर उसकी महिमा करते हैं। हमारी नजरों में प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जादूगर बन के रह गए। प्रभु अद्भुत काम करते हैं, प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु करते हैं, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि प्रभु आपको अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आए, चमत्कार करने के लिए नहीं? प्रभु ने अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार किया और प्रभु ने यह कहा कि किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं जाके। यह हमें बताता है कि उनका मकसद सिर्फ चमत्कार करना नहीं था, वो हमें अनंत जीवन, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। क्या आपने उनके द्वारा मुक्ति की योजना को समझकर स्वीकार कर लिया है, या फिर आपने यीशु मसीह को आज तक एक जादूगर करके स्वीकार कर रखा है? हमें देखना है अपने आप को, हम किस प्रकार के मसीह हैं, क्या हम
अपना सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। और एक स्वार्थीपन और मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पा लिया है, जब हमने जान लिया कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाले प्रभु हैं, उसको अपने जीवन में हम लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन उसको हम दूसरों को बताते नहीं हैं। फिर से वही बात आ रही है, जब हम परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है, जब उसे हम बांटते नहीं हैं, तब अपने आप में ये एक स्वार्थीपन है। हमें अपने आप को देखना है, क्या मैं उसके वचन को बांट रहा हूँ? जो अनुग्रह मुझे मिला है, जो प्रेम, जो उद्धार की सामर्थ्य मुझे मिली है, क्या मैं दूसरों को दे रहा हूँ? अगर नहीं दे रहा हूँ तो सच में हम स्वार्थी मसीही हैं। लूका 17 उसे उसके वचन में हम देखते हैं, जब वो यरूशलेम जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला, और जो ही उसने गांव में प्रवेश किया वहां पर क्या हुआ, वहां पर किसी गांव में प्रवेश किया तो दो दूर खड़े 10 जो कोढ़ी थे वो उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु हम पर दया कर। क्या कहा? हे प्रभु हम पर दया कर। एक गांव से होकर प्रभु गुजर रहे हैं, यहाँ पर 10 कोढ़ी खड़े हुए हैं। कोढ़ी लोगों को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, उनका परिवार, उनका समाज उनको ग्रहण नहीं करता था, और उनके लिए ये नियम बनाया गया था कि जब उनको पता चले कि उनको कोढ़ है तो उनको शहर की सीमा से बाहर रहना होगा। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के लोगों से तिरस्कार पाया है, अपने समाज की ओर से तिरस्कार पाया है, जिनकी आत्मा टूटी हुई है, जिन्हें प्रेम कोई प्रेम नहीं करता। अगर कोई उन्हें अपने पास आता नजर भी आता है तो उनको चिल्लाना पड़ता है, अशुद्ध अशुद्ध, कि मैं अशुद्ध हूँ, मेरे नज़दीक मत आओ। ऐसे लोग जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनका उपचार करने वाला कोई नहीं है, समाज से बाहर पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब देखा घुटने टेक लिए, प्रभु हम पर दया कर, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर। जब उसने देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपनी नज़रों को लगाया और प्रभु ने कहा, जाओ तुम जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। पुराने नियम में ये नियम था कि जब उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएं तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसकी वो दोबारा से अपने परिवार में जा सके, समाज में जा सके, उस सबसे पहले उसे याजक के पास जाना पड़ता था अपने आप को दिखाने के लिए। जब याजक बोलता था कि हाँ अब तुम ठीक हो, तुम अपने परिवार में अपने समाज में वापस आ सकते हो, प्रभु ने कहा जाओ तुम याजक को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि वे जाते जाते शुद्ध हो गए, और अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। कितने लोगों को चंगा किया था? 10 लोगों को, और ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे, ये लोग रो रहे थे, प्रभु हम पर दया कर, कोई हमें स्वीकार नहीं करता, हम समाज से बाहर गिरे हुए हैं। प्रभु से दया की भीख मांग रहे, प्रभु ने दया की, उनको बोला कि तुम लोग जाओ तुम चंगे हो जाओगे, वो चंगे हो गए। और उनमें से एक व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास लौटता है, और व्यक्ति इसमें लिखा है उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल गिरकर उसके चरणों पर गिर पड़ा, और वह एक सामरी व्यक्ति था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहां हैं? यहां पर स्वार्थी लोगों के, स्वार्थी मसीह, स्वार्थी लोगों की बात हो रही है। प्रभु ने कहा 10 लोगों को चंगा किया था, उनमें से एक लौटा है प्रभु मुझे धन्यवाद देने के लिए, बाकी 9 कहां हैं? बाकी 9 गायब हो गए। क्यों? अपना मतलब पूरा हो गया। हमें अपने आप को ये याद दिलाना है, हमें अपने आप को इस चीज से बचा के रखना है। हमारे जीवन में भी ये चीज आ सकती है, हम महान व्यक्ति नहीं है, हम इतने पवित्र लोग नहीं है, हो सकता है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। आज जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर परमेश्वर उन्हें पूरा भी करता है तो प्रभु के चरणों में आके उसको धन्यवाद जरूर देना। बहुत सी बार देखा गया है कि जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तब लोग भाग जाते हैं। यहां पर भी वही हो रहा है, जो 9 लोग थे उनका मतलब पूरा हो गया, उन्होंने जरूरी नहीं समझा प्रभु के पास आना, भूल गए परमेश्वर के अनुग्रह को। इस प्रकार के जो मसीही होते हैं वो सच में स्वार्थी मसीही हैं,
और सच में ये स्वार्थ हमारे अंदर हो सकता है। प्रभु के कार्य को जो भी हम अपने जीवन में कार्य देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में होता है, सच में जब तक परमेश्वर का आत्मा अलाउ ना करे, परमेश्वर अलाउ ना करे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी होता नहीं है। और जब कुछ बदलावों को अपने जीवन में हम देखते हैं तो हम उसे अपनी मेहनत का नाम दे देते हैं कि मेरी मेहनत से इसे मैंने पाया है, मेरी मेहनत से मैंने इसे किया है। लेकिन सच तो ये है, हर भली वस्तु परमेश्वर के भंडार से हमारे पास आती है। हम कई बार अपने मेहनत का नाम देकर हम स्वार्थीपन दिखाते हैं। प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। जल्दी खत्म करेंगे, फिर आते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये था स्वार्थी मसीह के बारे में। हमें देखना है कि हमारे अंदर स्वार्थ तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आया है। अगर हमने उसके उद्धार की सामर्थ्य को स्वीकार नहीं किया है तो सच में हमारे अंदर स्वार्थ हो सकता है। फिर है अनैतिक मसीह। अनैतिक मतलब जिनके अंदर नैतिकता, जिनके अंदर जो सभ्य कार्यों की कमी होती है, अनैतिक मसीही। ऐसे इस प्रकार के मसीह जो होते हैं अपनी आत्मिकता का प्रदर्शन तो बराबर करते हैं लोगों के बीच में, अपनी आत्मिकता बराबर दिखाते हैं, लेकिन और पापों के विरुद्ध बात भी करते हैं। बहुत से पाप के विरुद्ध बात करेंगे, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सच में खुद उन पापों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही पापों के बारे में, अनैतिकता के बारे में, व्यभिचार जैसे पाप, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अनैतिकता के अंतर्गत आती हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर 5 अध्याय में कुरिन्थियों को वो कलीसिया में बताता है कि उनके बीच में व्यभिचार होता था, व्यभिचार का पाप उनके बीच में होता था, गलत कार्य, नाजायज संबंध वाले कार्य उनके बीच में होते थे। बाइबल इस बात का जिक्र करती है, इसका मतलब ये है कि संभव है ये हमारे बीच में, हमारे जीवनों में भी ऐसा पाप आने की कोशिश करे। और ये सच है, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज इन चीज़ों से भरा हुआ है, हमने अपनी आँखों से देखा है। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जब अपने एरिया में घूमते हैं हमें इधर ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें व्यभिचार में गिराने की कोशिश करते हैं। उस समय में कुरिन्थियों में तो ये काम सामान्य बात थी, वहाँ के जो अन्य जाति लोगों के मंदिर थे वहाँ पर धार्मिकता, धार्मिक जो कार्य होते उनके नाम पर व्यभिचार होता था। और इस पाप की पकड़ आज भी उतनी मजबूत है जितनी उस वक्त थी। हमें देखना है, हम अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संभव है रोज़ रोज़ हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी बातें आती हैं जो हमें गिराने की कोशिश करती हैं। व्यभिचार उनमें से एक है। नौजवान लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और व्यभिचार सिर्फ नाजायज संबंध में गिरने से नहीं होते, बाइबल तो अलग तरीके से बात करती है कि हम किसी को अपनी गंदी दृष्टि से, कामुक दृष्टि से देखते हैं तब भी हम व्यभिचार कर देते हैं। हमें देखना है कहीं हम अनैतिक मसीहियों की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं, हमारे जीवनों में कहीं ये व्यभिचार जैसा गंभीर पाप घर किए हुए तो नहीं है, क्योंकि देखने को मिलता है, बहुत से लोगों के जीवनों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जब हम उनके पास बैठते हैं, जब उन्हें हम समझाते हैं तब बड़े नम्रता के साथ बात करते हैं, लेकिन सच में उनका जीवन बाहर इन चीज़ों में उलझा हुआ है। और इसका परिणाम हम उनके परिवार में देखते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं, चर्च में भी लगातार आते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हो सकते हैं। हमें अपने आप को देखना है, कहीं मैं तो नहीं हूं, कहीं मेरे जीवन से तो मैं किसी रीति से व्यभिचार नहीं कर रहा हूं। व्यभिचार गलत चीजों को देखने का देखना भी एक व्यभिचार है। कुरिन्थियों 6:18 में पौलुस कहता है कि व्यभिचार से भागो,
अन्य सारे पाप तो देह से बाहर करता, बाहर मनुष्य बाहर करता है अपनी देह से, परंतु व्यभिचारी तो अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर ने अपनी हमारी देह को उसकी स्तुति उसकी महिमा के लिए रखा है, उसने हमारी देह को अपना मंदिर कहा है। ऐसा ना हो कि हम इस मंदिर को इस अशुद्धता से हम खराब करें, व्यभिचार जैसे पाप को अपने जीवन में आने दें। मैं नौजवानों के बीच में रहता हूँ, उनके बीच में काम करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आती हैं और पता चलता है कि सच में वो लोग संघर्ष करते हैं इस प्रकार की चीज़ों से। परमेश्वर का वचन हमें इन चीज़ों से भागने की बात कहता है। अगर हम इन चीज़ों से भागते नहीं, इन चीज़ों के साथ समझौता करते हैं, तो सच में हम अनैतिक मसीह कहलाने के लायक हैं। कुरिन्थियों 5:9-11 में लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारी लोगों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम्हें संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, लुटेरों या मूर्ति पूजकों से संगति न रखो, तब तो तुम्हें संसार से निकल जाना पड़ेगा। कुरिन्थियों कलीसिया को कह रहा है पौलुस, व्यभिचारियों की संगति मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि उनके साथ व्यभिचारी लुटेरे या मूर्ति पूजकों से संगति मत रखो। ऐसे लोग मतलब हमारे चारों ओर रहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो तुम्हें समाज से निकल जाना पड़ेगा, संसार से निकल जाना पड़ेगा। वचन भी ये हमें साफ करता है कि चारों ओर ऐसे लोग हैं। परंतु मैंने वास्तव में ये लिखा है, यदि कोई व्यक्ति भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या लुटेरा हो तो उसकी संगति न करना, वरन ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन भी मत करना। ये कहता है वो ऐसे लोगों जो बाहर के लोग हैं उनके साथ संगति करना, अगर जब तक हम उनके साथ आसपास नहीं रहेंगे, जो व्यभिचारी, जो लोभी, जो लुटेरे, जो मूर्ति पूजक है उनके बीच में जब तक हम नहीं रहेंगे, तब तक हमें उनको सुसमाचार सुनाने का मौका मिल नहीं रहा है, नहीं मिलेगा। लेकिन पौलुस कह रहा है कि एक प्रकार के व्यक्ति से तुम दूर रहना, एक प्रकार का व्यभिचारी उससे तुम दूर रहना। वो कौन सा है? जो अपने आप को भाई कहलाता है। भाई मतलब बाइबल जब भाई के बारे में बात करती है तो मतलब विश्वासी लोग, जो अपने आप को विश्वासी कहलाकर व्यभिचार, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या लुटेरा हो तो उसकी संगति न करना, ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन भी कह रहा है कि ना करना। हमें देखना है, अगर बाइबल कह रही है कि भाई कहलाने वाले, विश्वासी कहलाने वाले लोग भी ऐसे हो सकते हैं, तो संभव है हमारे बीच में ऐसे लोगों का होना संभव है। हमें अपने आप को जांचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा जीवन क्या गवाही दे रहा है। जल्दी ख़त्म करेंगे। कुलुसियों उसका वचन, उसका अध्याय 3:4-5 ये कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध वासना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा है। समझ रहे हैं आप लोग? अपनी देह के पार्थिव अंगों को मृतक समझो। किन चीजों के लिए? व्यभिचार के लिए, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, जो दुनियावी कार्य, दुनिया के लोगों के लिए सामान्य बात है, तुम वैसे नहीं करना। तुम उन कार्यों के लिए अपने आप को मृतक समझो, तुम मर गए हो उन कार्यों के लिए। और ये कहता है ये सब मूर्ति पूजा है। इसमें 3-4 चीजें उसने ऐड की, अशुद्ध वासना, बुरी लालसा, लोभ, उनको कहा ये मूर्ति पूजा है। अगर ये मूर्ति पूजा है तो हमारे जीवन में हम कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं? हो सकता है आज भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन विश्वासी होने के नाते हमने उस मूर्ति का ढांचा बदल दिया है। ये संभव है। गाली देने वालों के बारे में बात की गई है और कई बार सुनने में आता है। ये बात मैंने जानबूझ के ऐड की क्योंकि मुझे मेरे को बहुत ज़्यादा ये फील हुआ कि सच में इस बारे में बताना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। कई बार किसी के बच्चे रोते हैं, बताते हैं कि भाई ये अपने क्या बोलते, अपने आप को विश्वासी तो बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन गालियां बकना नहीं छोड़ा। गालियां मुंह से निकलती, गंदे शब्द बोलने नहीं छोड़े।
सोचकर देखिए, जब आप लोगों को जो मसीह के नाम से जानते हैं उनके बीच में आप रहकर आपके मुंह से निकलने वाले अश्लील शब्दों को वो सुनते हैं, तो आपके जीवन से क्या आप बता रहे हैं? इफिसियों 4:29 में ऐसा लिखा है कि कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तुम्हारे मुंह से कोई अश्लील बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई गंदी बात जो तुम गालियां देते हो वो तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन वो बात निकलनी चाहिए जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी बातें कैसी हैं, हमारे जो हरियाणवी संदर्भ के जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है, बहुत से लोगों की, सब लोगों की नहीं, बहुत से लोगों की, वो बात बात में एक गाली ऐड करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है। कहीं आज हमारे अंदर मसीह होने के बावजूद भी क्या हम ऐसे हैं? हमारा जीवन, हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, बहुत से लोग हंस रहे हैं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है यहाँ पे। गालियां बकना छोड़ दीजिए। वचन कहता है, मैं खुद नहीं कह रहा, वचन में लिखा 4:29 इफिसियों में कि कोई अश्लील शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम किस किन बातों को एंजॉय करते हैं, हम किन बातों का आनंद लेते हैं, गंदे चुटकुले, अश्लील बातें, अश्लील चीजें अगर हम एंजॉय करते हैं तो सच में हम अनैतिक मसीही हैं, हमारे जीवनों में नैतिकता नहीं है। और ऐसे लोगों को याकूब क्या कहता है? याकूब 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सुना आप लोगों ने? जो अपने आप को भक्त समझता है, जो अपने आप को, हम कह सकते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कहता है, लेकिन वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाता, तो वचन में लिखा है उसके हृदय में धोखा, वो जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर अपनी जुबान पर हम लगाम नहीं लगा रहे हैं, अगर हमारे बोलने का तरीका नहीं बदला है, अगर हमारे शब्दों में बदलावट नहीं आई है, तो सच में हमारी भक्ति व्यर्थ है। हम झूठे, हम अनैतिक मसीही हैं अगर हमारा बोलने का तरीका ऐसे है, गाली देना। और एक जो सामान्य बात है लोगों के लिए, वो एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत इसमें लिखा पियक्कड़ के बारे में बात की गई है, शराब पीने वाले लोग। इफिसियों 5:18 में लिखा है, दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बड़ा गंदा शब्द है ये। सोचकर देखिए, कोई आपको लुच्चा कहे आपको कैसा लगेगा? लेकिन सच में हम वही प्रदर्शित करते हैं जब हम अपने आप को मसीही विश्वासी भी कहते हैं, लेकिन अपने आप को हम शराब के नशे में डुबो कर रखते हैं। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हो सकते हैं। लगातार चर्च में बराबर आते हैं, लगातार जोर से हालेलुया भी बोलते हैं, तालियां भी बजाते हैं, गवाही भी देते हैं, यहाँ पे खड़े होके, ये स्टेज यहाँ पर खड़े होकर गवाही भी देते हैं, लेकिन नशा करते हैं, घर पे झगड़ा करते हैं, गालियां बकते हैं। वचन साफ कहता है जो शराब पीने वाले लोग हैं वो लुचपन करते हैं। हमें देखना, अगर हमारा जीवन ऐसा है तो सच में हम अनैतिक मसीही हैं। हम प्रभु की गवाही नहीं दे रहे, हमारे जीवन से अनैतिकता तो फैल रही है, प्रभु का काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको काफी बार समझाया गया है, जिनको काफी बार बताया गया है, जिन्होंने उसका परिणाम अपनी आंखों से देखा है, फिर भी लोग नहीं मानते। ऐसे लोगों को बाइबल अनैतिक मसीही कहती है। हमें अपने आप को देखना है, हम किस प्रकार के मसीही हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन है? गलातियों 2:20 हमें बताता है, पौलुस ऐसे कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना, अपने आप का इनकार करना,
जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि परमेश्वर मैंने पहले जैसा जीवन जिया वो जिया, लेकिन अब जब मैंने आप पर विश्वास किया है, अब ये जीवन मेरा नहीं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश होता है। क्या हमारा जीवन ऐसा है, परमेश्वर को खुश करने वाला है? कुरिन्थियों 5, पहला कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। क्या हम परिवर्तन को लेकर चलने वाले मसीही हैं? जो बदलाव हमारे जीवन में आया है उस बदलाव को लेकर चलने वाले मसीही हैं हम? जो परिवर्तन को लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवनों में आते हैं, उन लोगों से परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है उन बातों की खोज करो जिनसे परमेश्वर खुश होता है। क्या हम परिवर्तन को लेकर चलने वाले मसीही हैं? दूसरा कुरिन्थियों 10:31 कहता है, अतः चाहे तुम खाओ या पियो, कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या हम जो करते हैं, हम चाहे काम करें या हम कुछ भी करें, जो कुछ करते हैं, क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं? क्या हमारा उस काम को करने का तरीका वो है जिससे परमेश्वर को महिमा मिले? वचन कहता है तुम जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ऐसे लोगों के जीवनों से परमेश्वर खुश होता है। फिलिप्पियों की पत्री 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। परमेश्वर उन मसीहियों से खुश होता है जो आनंदित मसीह हैं, जो आनंद मनाने वाले मसीह हैं, जो हर परिस्थिति में आनंद मनाते हैं, चाहे उनके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते हुए वो खुश होते हैं, जो आनंद मनाते हैं। परमेश्वर उस प्रकार के मसीहियों से खुश हैं। हमें अपने आप को देखना है, हम गूंगे मसीही हैं या हम बालकों के जैसे मसीही हैं, या हम स्वार्थी मसीही हैं, या हम अनैतिक मसीही हैं, या फिर हम वैसे मसीही हैं जिनके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सवाल, ये चारों बातें जो सामने लिखी हैं, अपने आप से हमें पूछनी है।